एवरी वन कैसे आप सब आई ऑल आर डूइंग ग्रेट सो टूडेज वीडियो इज गोइंग टू अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बी सी एस जीरो फोर टू दैट इज इंट्रोडक्शन टू अलगोर्दम डिजाइन इट इज फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन ठीक है तो इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट दे कैन आस्क अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी लेडर तो वो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुट द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ एल्गोरिदम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ठीक है तो बिगो ऑफ टू रिस्ट पावर एन बिगो ऑफ एन लॉग टू एन लॉग टू एन एंड और बिगो ऑफ एन ठीक है तो इन सब को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में लगा देना है तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ़ कॉम्प्लेक्सिटी लेडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा आस किया जाता है ओके okay? नेक्स्ट ये कुछ सिंबल्स के बन हैं ऐसा क्वेश्चन आ चुका है दो तीन बार कि इन सारे सिंबल्स के नाम बताइए तो थीटा है ओम है और हमारा फॉर ऑल है तो ये सारे इन सारे सिंबल्स के नेम आपको पता होने चाहिए कोई और भी सिंबल आ सकता है तो इसके लिए प्रिपेयर करके जाइएगा सिंबल्स का नेम आपको पता होना चाहिए वैसे तो एक या दो नंबर का क्वेश्चन है ये लेकिन पता होना चाहिए ठीक है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट आपका ये आपको बोलेगा कि राइट द वैल्यूज़ ऑफ़ द फॉलोइंग तो ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे इनके आपको वैल्यूज़ लिखने के लिए बोल सकता है कि इनके वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करोगे आप ठीक है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर ब्रैकेट में थ्री पॉइंट थ्री नेक्स्ट है लॉक थ्री ट्वेंटी सेवन अपॉइंट नाइन और नेक्स्ट क्या है हमारा माइनस थ्री पॉइंट थ्री स्क्वायर ब्रैकेट में तो इसका वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए ओके नेक्स्ट आपका फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग लूप कोई भी लूप हो सकता है यहाँ पे मैंने सिंपल लूप लिया है फॉर लूप और इसमें एक एक स्टेटमेंट रन हो रहा है अंदर फॉर लूप स्टेटमेंट के अंदर तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आ सकता है ये मैंने एग्जाम्पल प्रॉब्लम लिया है तो ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट आपका आ, बोल सकता है कि डिफाइन थ्री मोस्ट कॉमन असिमटोटिक नोटेशंस एंड इट्स मीनिंग तो आपको कोई भी थ्री असिमटोटिक नोटेशंस के बारे में बताना होगा उनके मीनिंग्स क्या है उनके बारे में बताना होगा आपको पता ही है बिग ओमेगा है बिग ओ है और बिग थीटा है और इस पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि डिफाइन बिग ओ नोटेशन एंड बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन सो दैट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू बिगो ऑफ एक्स स्क्वायर तो इसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए और इससे ये क्वेश्चन ओमेगा uh, से भी पूछ सकता है ओ से भी पूछ सकता है और थीटा से भी पूछ सकता है तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आस किए जाएंगे नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे क्वेश्चन आस किया जा सकता है कि प्रूव कीजिए कि आपका कोई uh, आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड वी हैव टू प्रूव दैट एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स बाई यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आस कर लिया जाता है नेक्स्ट आपका एडजस्टेंसी लिस्ट और एडजस्टेंसी मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आया है बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन प्रिपेयर कर लीजिएगा इजी क्वेश्चन है तुरंत तो तैयार हो जाएगा तो राइट राइटर एडजस्टेंसी लिस्ट लिखना है हमें और एडजस्टेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है ये जो ग्राफ के बन है इस पर कोई भी और ग्राफ भी दिया जा सकता है यहाँ पर एग्जाम्पल ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है ठीक है नेक्स्ट आपका मर्ज शॉर्ट शॉर्ट पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप प्रिपेयर करके कर जाना सारे जितने भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उन सबको प्रिपेयर करके जाना है सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आने वाला है कि राइटर जूडो कॉर्ड जूडो कॉर्ड मतलब अलगोर्दम ही लिखना है हमें तो एक जूडो कॉड लिखना है हमें मर् शॉट अलगोर्दम का और वही मर्सॉट अगोर्दम किसी हमें हमें एक लिस्ट दी हुई होगी जैसे यहाँ पे आर दिया हुआ है हमें फ़िफ्टीन फोर थ्री टेन एट सेवन थर्टीन और सिक्स ऐसा हमारा कोई आर दिया रहेगा इसका आपको इसमें ही अप्प्लाई करना है मर्ज शॉट और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में आपको लिखनी है ठीक है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका जितने भी शॉर्टिंग अलगोरदम्स लेकिन सर्शन शॉट है बबल शॉट है तो इन सारे के लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है ठीक है क्विक शॉट है नेक्स्ट आपका बेलमैन फोड अलगोरदम और डिक्ट्रा एल्गोरदम ठीक है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ ठीक है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज़ किया जाता है बेलमैन फोर्ड और डिकटा डिक्ट्रा तो वेलमॉन फोर्ड जो होता है था वो नेगेटिव वेट्स के लिए होता है और डिक्स्ट्रा जो होता है वो पॉजिटिव वेट्स के लिए होता है तो इसका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाते हैं दोनों में दोनों ही हमें आपको इसका डिफरेंस बताना होगा तो उसके बारे में एक बार पढ़ के जाइएगा ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट आपका ग्रेडिंग टेक्निक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है और व्हाट आर द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस रिक्वायर टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूज इन ग्रीडी टेक्निक्स ठीक है तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा आपको सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि आ, कोई जर्नल अलगोर्दम लिखिए ग्रीडी टेक्निक का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक जनरल अलगर्दम होता है ग्रीडिंग टेक्निक का तो उसे पढ़ के जाइएगा कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिएगा ग्रीडिंग अलगोर्धम का ठीक है नेक्स्ट आपका करस्तूबा मैथड पर क्वेश्चन आया गया है तो ऐसा क्वेश्चन आस किया जा सकता है कि मल्टीप्लाई टू फोर थ्री नाइन क्रॉस वन टू फाइव थ्री यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्क्योअर मैथड तो कौन सा डिवाइड एंड कॉन्क्योर मैथड यूज़ करना है हमें करस्तूबा मैथड ठीक है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेक्रेंस रेक्रेंस रिलेशन पे तो कोई क्वेश्चन कभी भी छूटता ही नहीं है तो ये आपको ज़रूर प्रिपेयर कर ही लेना है इस पर आपका ज़्यादातर फैक्टोरियल और फिबोनाकी uh, सीरीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे तो कोड लिख दिया गया है इस पर आपको रेफरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोड ना गिवन हो तो यहाँ पे कोड मैंने गिवन वाला यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आज किए जा सकते हैं कि यहाँ पे कोड आपको गिवन ना हो कोड खुद राइट डाउन करना हो और फिर उसका रेफरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना हो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका ये रेफरेंस पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं कि डिस्कस ऑल द थ्री केसेज ऑफ मास्टर मैथड टू सॉल्व द रेफरेंस ठीक है तो रेफरेंस को सॉल्व करने के लिए कौन से थ्री केसेस होते हैं तो उन्हें आपको डिस्कस करना है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है लेकिन उसका स्टाइल अलग है कि कैसे उसने पूछा है नेक्स्ट हमारा इसी पे एक क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग रेफरेंस रिलेशन दैट इज़ फंक्शन आपको गिवन है टी एन गिवन है दैट इज़ थ्री टी एन बाई टू प्लस एन ठीक है तो इसे भी आपका रेफरेंस रिलेशन आपको इसमें फाइंड आउट करना है बी एस टी पे बाइनरी सर्च अलग्रदम पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल है आपको एक एलगर्दम लिखने के लिए बोला जाएगा इसकी वर्स्ट और बेस्ट केस आपको उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखना है इसको अप्लाई करके दिखाना है एक आपका लिस्ट गिवन है जैसे यहाँ पे लिस्ट गिवन है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी टू थर्टी फाइव और एक की गिवन है की मतलब जो सर्च वैल्यू है वो गिवन है हमें और उसको आ, सारे आपको प्रोसेस वाइज सारा आपको सारे स्टेप वाइज आपको ये बाइंड्री सर्च अलगम को करके दिखाना होगा ओके okay? ये बाइंड्री सर्च अलगोरदम पे भी ऐसा ही पूछा जाएगा लीनियर सर्च पे भी आप देख सकते हैं लीनियर सर्च पे भी ऐसा ही क्वेश्चन आ, आ गया है सेम है आपको एक लिस्ट गिवन है की गिवन है अलगरदम भी लिखना है आपको और इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या होगा वो लिखना है नेक्स्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे क्वेश्चन आया हुआ है इसमें बोला गया है कि राइट ज़ूडो कोड फॉर डी और इसमें आपको एक ग्राफ गवन है जिसमें आपका आपको डी से इस ग्राफ को सॉल्व करना है और इसका रनिंग टाइम भी हमें बताना है जो हमारा एल्गोरिदम होगा जूडो कोड होगा डीएफएस का उसका रनिंग टाइम भी हमें बताना है सेम ऐसा बीएफएस के लिए भी पूछा गया है तो एक हमारा ग्राफ गिवन है इसको ट्रेवर्स करके जाना है आपको और स्टार्टिंग नोट इसका ए गिवन है आपको तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट प्रेम सलगोर्धम बहुत इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट प्रेम्सलगोर्दम पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको प्रेम सलगोर्दम राइट करना है और ये स्पैनिंग ट्री आपको दी हुई है तो इस पर आपको अप्लाई करना है प्रेम सलगोर्दम को ठीक है क्रुस्कल्सम इसका नेक्स्ट क्रुस्कल्स है हमारा ठीक है तो दोनों ही एम एम सी एस टी को ही सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं तो एक क्रिस्कल्स भी आ जाता है और प्रिंट्स भी आ जाता है तो सेम क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट आपका फ्रैक्शनल नेपसेक प्रॉब्लम पे आ जाता है क्वेश्चन इस पर आपका एल्गोरदम इसका देख लीजिएगा इसका रनिंग टाइम क्या है वो भी देख लेना है आपको और ऐसा क्वेश्चन आपको ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपको प्रॉफिट्स दिए होंगे वेट्स दिए होंगे और इससे हमें ऑप्टिकल सल्यूशन फाइंड आउट करना है नेपसेक प्रॉब्लम का नेपसेक प्रॉब्लम प्रॉब्लम अलगरदम से ये हमें इसका क्या फ़ाइंड आउट करना है ऑप्टिमल टमा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ओके okay? नेक्स्ट आपका वेरी कॉमन डिक्सट्राइल गर्दम पे ये आपका ग्राफ मैंने गिवन दे दिया है इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा डिक्सट्राइल गर्दम पे आपको क्या करना है इसे सॉल्व करके दिखाना है कोई भी ग्राफ गिवन होगा यहाँ एक एग्जाम्पल ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया है नेक्स्ट आपके कुछ टर्म्स पे ऐसा बोल सकता है कि इन सारे टर्म्स को डिफ़ाइन कीजिए तो मैंने कुछ यहाँ कॉमन टर्म्स लिख दिए हैं उनको आप देख लीजिए मैथमेटिक बोल सकता है कि डिफ़ाइन द टर्म दैट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए बोल सकता है कि कैसे कैसे आप उसमें वन लेते हो फिर उसको वन के लिए प्रूफ, करते हो, के के लिए प्रूफ के के लिए करते हो फिर के लिए प्रूफ के के लिए अज्यूम करते हो फिर के प्लस वन के लिए प्रूफ करते हो तो ये सारे चीज़ आपको डिफ़ाइन कर देनी है फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है और आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या होता है स्पैनिंग ट्री को डिफाइन करने के लिए आ सकता है एजेंसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आ सकता है बैक ट्रैकिंग क्या होती है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या डिफरेंस है तो ये सारी चीज़ें देख लेनी है ज़्यादा सिलेबस नहीं है थोड़ा सा सिलेबस है बस आपको आ, सही से पढ़ना है कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअल में पढ़ के जानी है उन सबको ध्यान में रखिए और पढ़ के जाइए ठीक है सो दैट इज़ दैट इज़ इट फॉर द टू वीडियो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल एडो स्टॉप के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग